इस समय लवीना राजघाट पर जर्मनी के चांसलर पहुंच चुके हैं। कल जब जर्मनी के चांसलर बैठक में आए थे, हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उसकी जानकारी बिल्कुल होगी, लेकिन उन्होंने पूछा भी था कि आंख पर किस क्या हो गया, तो चोट को लेकर के भी चर्चा हुई थी। और जर्मनी के चांसलर इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ बढ़ते हुए महात्मा गांधी के समाधि स्थल पर वो पहुंचे हैं। अब प्रधानमंत्री यहां पर उन्हें रिसीव करेंगे, उन्हें माफ कीजिएगा खादी का गमछा पहनाया जाएगा, वो खादी जो महात्मा गांधी की हमेशा के प्रतीक रही है। और संदीप, इस समय जर्मनी के चांसलर यहां पर पहुंच चुके हैं। अब दुनिया के अब कुछ देर बाद जो बाइडेन भी यहां पर दिखेंगे, तो निश्चित तौर पर जो सत्य और अहिंसा का पाठ G20 के जरिए भारत देने की कोशिश कर रहा है, और ये बताता है कि युद्ध किसी भी समस्या का अंत नहीं है, उसमें इस तस्वीरों का भी बहुत बड़ा योगदान और बहुत बड़ा संदेश छिपा है। देखिए, तस्वीरें जो है वो संदेश ही बयां करती हैं, और जिस तरीके की तस्वीरें इस वक्त दिख रही हैं वो अपने आप में ये चीज बताने को तैयार है कि किस तरीके से सभी देश एक ऐसे व्यक्ति जिसने की पूरी दुनिया में शांति का संदेश दिया, उनके समाधि स्थल पर जाकर उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। पूरा G20 समिट, जब पूरे विश्व में एक युद्ध की जैसी स्थिति है, कितनी शांतिपूर्वक तरीके से वो सारी चीजें यहाँ पे हुई जो जिसकी उम्मीद नहीं की जा रही थी। आप सोचिए कि यूक्रेन वाले मसले पर भी, जो कि ये सारे देश जो है कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हैं, वो भी एक ही मंच पर बैठकर अगर एक 100% कंसेंसस बना रहे हैं, तो ये अपने आप में ही एक गांधी के सत्य और अहिंसा की एक जीत है, जो कि इस G20 के प्लेटफॉर्म से हम लोगों ने पूरे दुनिया में दिखाई गई है। यही एक मैसेज लेकर यहाँ से लोग जाएंगे, और गांधी को तो शांति का प्रतीक माना जाता है, तो ये मैसेज ऐसा नहीं है कि आज जा रहा है, ये मैसेज तो जब से गांधी जी हैं, जब से उनकी विचारधारा, जब से वो इस चीज को लेकर लड़ाई लड़ते रहे हैं, गरीबों के उत्थान की लड़ाई लड़ते रहे हैं, पिछड़ों के उत्थान की लड़ाई लड़ते रहे हैं। विक्रांत, तो ऐसे आप में ये तस्वीर मैसेज आप भी जा देख रहा पा रहे है। हैं, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी भी यहाँ पर पहुंच चुकी हैं, यानी कि ये भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि हर एक मिनट के बाद जो मेहमान है वो सुव्यवस्थित तरीके से यहाँ पर पहुंच सके। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, कल भी जब इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी पहुंची थी, आपको याद होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वो बहुत खुशी से मिली थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हाथ मिलाकर उनका स्वागत किया था। और आज भी देखिए, जब आगे बढ़ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तैयार है स्वागत के लिए सारे मेहमानों का, एक बार फिर से आगे बढ़ते हुए जरूर ये जो पटका उनके हाथ में खादी का आपको दिखाई दे रहा है, वो इटली की प्रधानमंत्री को भी यहां पर पहनाएंगे, और जरूर ये जो बैकग्राउंड है उसके बारे में भी बताएंगे। विक्रांत, देखिए बिल्कुल, इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खादी का पटका इटली की प्रधानमंत्री को पहनाया, और उसके बाद अब उस जगह के महत्व के बारे में बता रहे हैं। हालांकि गांधी एक ऐसा संदेश है, गांधी एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसके बारे में पूरी दुनिया जानती है, लेकिन इस जगह के बारे में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दुनिया के तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ बहुत ही सहज संबंध हैं, जो उनके साथ मुलाकात में भी दिखते हैं। इस समय भी आप देखिए कि इटली की प्रधानमंत्री के साथ जब वो बात कर रहे हैं तो बेहद ही सहज और सरल संबंध दिखाई दे रहे हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व का करिश्मा भी है कि वो तमाम राष्ट्रीय अध्यक्षों के साथ, उनके डिप्लोमेटिक रिश्ते तो हैं ही, वो बहुत मजबूत हैं, भारत का कूटनीतिक स्तर पर बहुत मजबूत रिश्ते रखते हैं, और उसमें कभी भी कोई किसी भी मौके पर भारत के हितों को परे रखते हुए दूसरे देश के हित को आगे नहीं जाने दिया। लेकिन साथ ही साथ प्रधानमंत्री की एक व्यक्तिगत एक पर्सनल केमिस्ट्री भी है, जो कई बार भारत के हितों को आगे रखने में मदद करती है। और महात्मा गांधी की समाधि स्थल पर आज जिस तरीके से तमाम नेता पहुंच रहे हैं, उनके साथ भी प्रधानमंत्री की केमिस्ट्री बने रही है, देखने को मिल रही है। जी विक्रांत, आप बने रहिए, मैं एक बार फिर से आपके पास लौटूंगी, लेकिन प्रशांत भी इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो अक्षरधाम मंदिर के बाहर ही मौजूद हैं। प्रशांत, आज ऋषि सुनक वहां पर पहुंचे थे, हालांकि राजघाट पर अभी उनका पहुंचना बाकी है, इंतजार वहां पर भी किया जा रहा है, लेकिन उन्होंने सुबह का समय इसीलिए भी चुना होगा कि वो पहले सुबह उठते ही यहां पर मंदिर चले जाएं, और उसके बाद राजघाट पर चुके जाने का कार्यक्रम था। बिल्कुल बिल्कुल लवीना, ऐसा ही था। और लगातार अब जबकि दुनिया भर की ऐसी महाशक्तियां राजघाट पर पहुंच रही हैं, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक जो लगातार इस बात को दोहराते रहे हैं कि उन्हें सनातनी होने पर, हिंदू होने पर गर्व है, उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए आज वो अक्षरधाम मंदिर भी सुबह सुबह अपनी पत्नी अक्षता मूर्ति के साथ पहुंचे हुए थे। हालांकि यहां पर सुबह 10 बजे के आसपास ये मंदिर खुलता है, लेकिन रास्ते में बैरिकेडिंग कर दी गई थी, सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम, और अक्षरधाम मंदिर में स्वामीनारायण मंदिर से भी वही संदेश लोगों को देने की कोशिश होती है। जब बड़ी तादाद में यहां पर देश और दुनिया से पर्यटक भी पहुंचते हैं,
तो उन्हें भी कुछ ऐसी ही झांकियां यहां दिखाई जाती है कि क्या है भारत की परंपरा, क्या है यहाँ की संस्कृति। और यही G20 का मूल मंत्र भी वसुधैव कुटुंबकम के जरिए यही जताने और बताने की कोशिश भी की गई। अफ्रीकन यूनियन को जिस तरीके से स्थायी सदस्य बनाया गया, इस समय राजघाट पर आप देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीरज एक के बाद एक गेस्ट का स्वागत कर रहे हैं। और इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ में ये नीरज क्या दिखाई दे रहा है, क्या समझ पा रहे हो इस तस्वीर से? देखिए, अभी तुर्की के प्रेसिडेंट, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि वो आए हैं रेसेप तैयब एर्डोगन के। एर्डोगन बहुत पॉपुलर हैं खासकर मुस्लिम वर्ल्ड में और खाड़ी के देशों में, पश्चिमी देशों में। और यहाँ मुझे लगता है वो वहाँ जो तस्वीर हम देख पाए थोड़ी सी एक झलक, वहाँ उनके साथ कुछ लोग थे, उनके आने की एक सीमा होती है विक्रांत जी। और प्रोटोकॉल के बाद आगे दूसरी चीज आप देख रहे होंगे, एक खास बात सबको बता दूं कि जो यहाँ ऑफिशियल हैं, यहाँ जितने ऑफिशियल आपने सरकार के देखे होंगे, जो सरकारी ऑफिशियल है, हमारे टैग में मीडिया लिखा है, इंडिया या भारत का जिक्र नहीं है, लेकिन जितने ऑफिशियल हैं, हम लोगों ने खबर भी चलाई थी, उसमें भारत लिखा है। यहाँ जितने अधिकारी आपको दिखेंगे, चाहे दूसरे देशों के नेताओं के साथ जो आ रहे हैं या अपने देश के हैं, उनके पास में इस तरह का टैग है, लेकिन जो लीडर्स को कोई टैग नहीं होता। विक्रांत जी, बिल्कुल, जो राष्ट्राध्यक्ष जैसे कहते हैं कि प्रधानमंत्री के नाम के सामने किसी देश के क्या नाम लिखना, बड़े लोगों के सामने क्या नाम लिखना हम लोग की, जिनको सब पूरी दुनिया जानती है, तो इसीलिए उन्हें किसी टैग की जरूरत नहीं, वो एक देश की पहचान है, इसलिए उनका टैग बिल्कुल, क्योंकि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो अपने देश का प्रतिनिधित्व कर रहा है, अपने देश को के संदेश वाहक है, अपने देश की तस्वीर दिखा रहे हैं। तो और इसी कारण